गाजीपुर में बृहस्पतिवार को रामा प्रिंटिंग प्रेस के प्रोप्राइटर विनीत सिंह चौहान गोलू के सौजन्य से नगर के सामाजिक कार्यकर्ता विवेक कुमार सिंह शम्मी के नेतृत्व में आज 50 फेस प्रोटेक्शन शील्ड इंस्पेक्टर कोतवाली धनंजय मिश्रा को दिया गया। श्री सिंह ने बताया कि गाजीपुर में पिछले कुछ दिनों से शासन के निर्देश पर दूसरे प्रदेशों से छात्र व छात्राओं तथा मजदूरों के जनपद में आने का सिलसिला जारी है। ऐसे वक्त में पुलिस को अपने कर्तव्य को निभाते हुए भीड़ में जाना पड़ रहा है। फेस प्रोटेक्शन मास्क पहनकर भीड़ में रहने से कोरोना से बचने में मदद होगी। आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, जो आज इस कोरोना की महामारी में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो हमारे पुलिस वाले हैं। अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोगों की मदद करना, दूर दराज से जो मजदूर आ रहे हैं, तमाम लोग आ रहे हैं, स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके उनको सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आज हमारे पुलिस वालों की है। इसी सिलसिले में आज हम सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं और हमने नागरिक के हैसियत से अपने पुलिस वालों के सम्मान में नागरिकों के तरफ से उनको फेस शील्ड देने का काम किया है, जिससे वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाए तो कोरोना से बचे रहें, अपने साथ साथ समाज के साथ साथ अपने परिवार के लिए भी सुरक्षित रहें। आपने देखा है आज जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। पिछले दो दिनों में इरफान खान जैसे बड़े एक्टर, ऋषि कपूर जैसे बड़े एक्टर, ये सारे लोग अपनी जान गंवा बैठे। सरकार प्रशासन बार बार समझा रही है कि जान बहुत कीमती है और सबके पीछे कोई ना कोई रोने वाला है। तो आज इस माध्यम से मैं आप सभी लोगों से अपील भी करता हूँ कि समाज को भी सुरक्षित रखें, खुद को भी सुरक्षित रखें, कोरोना वॉरियर्स को भी सुरक्षित रखें, समाज को बचाने में अहम योगदान दें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, साबुन से हाथ धोएं, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें और इस देश को कोरोना की महामारी से बचाएं। विनीत चौहान ने हॉस्पिटल के डॉक्टर तनवीर के साथ वहां मौजूद 25 मेडिकल स्टाफ को फेस प्रोटेक्शन शील्ड दिया, जिससे उनको कोरोना वायरस से बचने में मदद मिल सके। मौके पर इरफान, अनिल बिंद, प्रदीप, विनीत तिवारी, सुनील सिंह, लालू आदि लोग मौजूद रहे।